भारतीय सेना के बेड़े में जल्द ही मेड इन इंडिया क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन शामिल होने वाला है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय सेना ने 5 स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दिया है। बताया जा रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2024 तक ये पांचों हथियार भारतीय सेना को सौंप देगी। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मुताबिक इस मिसाइल वेपन सिस्टम में एक रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल शामिल है जो सिस्टम के दिमाग के रूप में काम करता है। वहीं एक RCPV 3 बैटरी इकाइयों से जुड़ा होगा। एक बैटरी यूनिट में एक बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल और एक बैटरी सर्विलांस रडार व्हीकल रहेगी। इसके अलावा एक बैटरी इकाई 4 लड़ाकू समूहों से जुड़ी रहेगी। इसकी खासियत यह है कि इसकी एक CG में एक मल्टी फंक्शनल रडार यूनिट होती है जो 10 लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। एक मल्टी लॉन्च रॉकेट व्हीकल 6 QRSAM रॉकेट से लैस होता है। एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली में 72 रॉकेट होते हैं। सिस्टम में रॉकेट ले जाने के लिए एक लॉजिस्टिक व्हीकल भी होता है। बता दें, इस मिसाइल सिस्टम का DRDO ने पहले चरण का परीक्षण सितंबर 2022 में किया था। सेना और वायुसेना को मिलने वाली इस मिसाइल प्रणाली में मध्यम ऊंचाई पर पायलट रहित विमान को मार गिराकर आखिरी यूजर ट्रायल इस साल की शुरुआत में 9 जनवरी को किया गया। DRDO ने 3 से 7 जनवरी तक नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी इस प्रणाली का एक मॉडल प्रदर्शित किया था। इस मिसाइल को विकसित करने के लिए DRDO की परियोजना को जुलाई 2014 में 476.43 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। यह दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इसे ऑर्डर करने से पहले सेना और वायुसेना ने यूजर ट्रायल के दौरान इस हथियार का दिन और रात में ही परीक्षण करके मूल्यांकन किया था। इस दौरान मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया। खतरनाक एल्गोरिदम के साथ इस हथियार प्रणाली की पिन पॉइंट सटीकता स्थापित की गई है, जिसमें वॉरहेड श्रृंखला भी शामिल है। इस मिसाइल सिस्टम में फुल्ली ऑटोमेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम, रडार, सक्रिय बैटरी, मल्टी फंक्शनल रडार और लॉन्च शामिल है। दोनों रडार में 360 डिग्री कवरेज के साथ सर्च ऑन मूव और ट्रैक ऑन मूव क्षमता है। इसे सभी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी 30 किलोमीटर की रेंज हो। बता दें, इस मिसाइल प्रणाली को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। DRDO के अनुसार रक्षा से संबंधित सार्वजनिक उपक्रम भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के माध्यम से इस हथियार प्रणाली की आपूर्ति हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।